नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक न्यूज ऐसी आ रही है जिसमें बांग्लादेश को काफ़ी शर्मसार होना पड़ा है, काफ़ी बेइज्जती सी महसूस करनी पड़ी है। बांग्लादेश की अभी एक विजिट हुई थी चाइना के लिए, जिसको लेकर उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को काफ़ी एम्बैरेस होना पड़ा, काफ़ी उन्हें परेशान होना पड़ा। आइए दोस्तों, समझते हैं कि पूरी न्यूज आखिर है क्या। दोस्तों, दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना के दौरे पर गई थी। ये दौरा 4 दिन का था, 4 दिन की विजिट जो वो पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाई और 2.5 से 3 दिन के अंदर वापस लौट आई। दरअसल दोस्तों, इनकी वापस आने का जो रीज़न बांग्लादेश की जो सरकार बोल रही है वो ये बोल रही है कि उनकी प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की बेटी अनहेल्दी हो गई थी, मतलब उन्हें कुछ तकलीफ़ हो गई थी, बीमार हो गई थी, इस वजह से उनकी प्राइम मिनिस्टर वापस आ गई हैं। लेकिन दुनिया के जो और रिपोर्टर हैं, जो और मीडिया हाउसेस हैं, वो इस खबर को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार बता रही है वो गलत बता रही है। दरअसल उसके पीछे कारण ये है, इनकी विजिट जो कट करी गई है, जो शॉर्टर विजिट हुई है, रीज़न ये है कि बांग्लादेश को चाइना ने 2016 में प्रॉमिस किया था कि वो बांग्लादेश को $5 बिलियन का लोन देंगे। मतलब अगर इसको हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके बोलें तो करीब 4 लाख करोड़ रुपए वो देंगे चाइना वाले बांग्लादेश को एज अ लोन। लेकिन बांग्लादेश तो इसी उम्मीद से गया था वहाँ पर उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने इनको बिलियन तो छोड़ो 100 मिलियन में रोक दिया और उनको जो लोन ऑफर किया वो 100 मिलियन का। मतलब अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये मान लो करीब 850 करोड़ रुपए। कहाँ 4 लाख करोड़ रुपए और कहाँ 850 करोड़ रुपए, कितना बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए बांग्लादेश को भी समझ में आ गया कि चाइना जो कहता है वो दरअसल वो करता नहीं है वैसा। तो एक तो ये बात थी। दूसरी चीज़ जो बांग्लादेश के लिए गलत हुई, वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए बांग्लादेश को, वो बांग्लादेश को वहाँ रिस्पेक्ट मिली नहीं। दरअसल चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो मात्र 5 से 10 मिनट का ही टाइम दे पाए शेख हसीना जी को। उसके बाद जो समय दिया वहाँ के जूनियर, जो उनसे छोटे अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों ने वहाँ पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को समय दिया। तो दोस्तों, इनको एक चीज़ ये भी बुरी लगी कि बांग्लादेश को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, क्योंकि शी जिनपिंग को और भी टाइम देना चाहिए और मीटिंग्स करनी चाहिए कुछ, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो एक रीज़न ये भी है, एक रीज़न उनका लोन का है। दोस्तों, अब बांग्लादेश आखिर उनसे लोन लेने क्यों गया, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दरअसल दोस्तों क्या है कि बांग्लादेश ने कुछ आईएमएफ से पैकेज का मतलब बोला था और आईएमएफ ने उनको पैकेज के लिए अनाउंस कर दिया। जब एक बार आईएमएफ अपने पैकेज देता है तो ये मान लीजिए कि वो अपनी कंडीशन लगा देता है कि आपको अपने देश से इतना टैक्स लगाना पड़ेगा, इतना टैक्स आप वसूलेंगे लोगों से, इस तरह की कुछ कंडीशन लगा देता है आईएमएफ, तो वो बड़ी समस्या हो जाती है उस देश के लिए। अब उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश ने ऐसे ही टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए। तो जब टैक्सेस आप बढ़ा देते हैं तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ने लगती है और इस वक्त बांग्लादेश का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। तो उनको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब कि जो पेमेंट करनी पड़ती है दूसरे देशों को, वो अब करने में दिक्कत आ रही है। तो जब ये सारी परेशानी आ रही है तो इसके ओवरकम करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना हम चाइना से लोन ले लें। अच्छा, चाइना ने ये ऑफ़र दिया था इनको 2016 में शी जिनपिंग ने कि हम आपको अच्छा खासा लोन देंगे, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये साथ निभाएंगे। लेकिन ये 2016 के चाइना में और 2024 के चाइना में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो उतनी तेज़ नहीं है जो 2016 में हुआ करती थी। प्लस चाइना के पास पहले बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे, अब चाइना के पास उतने पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड आने के बाद से
चाइना के इकॉनमी काफ़ी छोटी हो गई है, हालांकि आज भी वो बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले अब काफ़ी वो छोटी हो गई है। अब उनको बड़ा सोचना पड़ता है कि वो किस टाइप के चीज़ों को करें। और बांग्लादेश के साथ एक और समस्या है, बांग्लादेश ने अननेसेसरी अपने कुछ खर्च जानबूझकर बढ़ा लिए, जैसे कि इन्होंने अपना रक्षा बजट और बढ़ा लिया, अपनी मिलिट्री को ये अपग्रेड करने लगे, जबकि इनको खुद सोचना चाहिए कि आखिर इनको परेशानी किससे है। इनकी जो मेन लैंड बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है, और इंडिया के साथ तो ये अच्छे रिलेशन इन्जॉय करते हैं, भारत तो कभी कुछ इनको ऐसा कुछ उल्टा सीधा कहता भी नहीं है। बाकी ऐसा इनको कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये अपनी मिलिट्री पे अच्छा खासा पैसा खर्च करें, फिर लोन लेके खर्च करना है आपको, ये भी आप देखिए, तो ये कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं है बांग्लादेश के लिए। अच्छा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब ऐसे ही हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, अब ये बांग्लादेश भी, जो परेशान है पेमेंट के लिए, इनको बस कहीं से भी इनको लोन मिल जाए, इनको बस ये लग रहा है। तो दोस्तों, भारत की भी मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात होगी कि भारत कितनी इनकी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।